झांसी में मोहम्मद कलाम कुरैशी राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया जमीयतुल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया कि उनके क्षेत्र में कोई मदरसा नहीं है और मदरसे के नाम पर सरकारी पैसे का गबन किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि कुरेश नगर बाहर और छगे कपूर टेकरी कसाई मंडी क्षेत्र में सदियों से शिक्षा के नाम पर 20,000 की आबादी जीरो है। एक भी सरकारी बेसिक पाठशाला और मदरसा संचालक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं और महंगाई के दौर में परिजन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे। बताया कि किसी तरह की कोई सुविधा स्कूल मदरसा संचालक नहीं है। जानकारी के अनुसार कुछ मदरसा माफिया ने फर्जी कूटनीतिक तरीके से मोहल्ले नाम से एक दर्जन से अधिक फर्जी मदरसे संचालक दिखवाकर सरकार को प्रति महीने लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, जबकि एक भी उक्त मोहल्ले में मदरसे संचालक न होने के कारण 6 से 18 साल तक के बच्चे शिक्षा और तालीम के लिए तरस रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे दुकान, मोटर पार्ट्स, मेहनत मजदूरी करते हुए मार्केट में जाते हैं और कुछ बच्चे कचरा बीनने का भी काम करते हैं। परिजनों से आर्थिक कमजोरी की वजह से वह अपने परिवार और बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले में जिलाधिकारी से गंभीरता से उठाते हुए निष्पक्ष जांच कराने की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बबलू आजाद, आरिफ कुरैशी, चौधरी रईस कुरैशी, राजू सद्दाम अली, एडवोकेट शाहिद खान आदि लोग मौजूद रहे। किस समस्या को लेकर आज आप आए? आज एक हमारा अलिप्सक मोहल्ला है, करीब 20,000 की आबादी है। उस आबादी क्षेत्र में मदरसा माफियाओं ने करीब 10 मदरसे संचालक दिखाकर सरकारी बाकायदा उसका पेमेंट पा रहे हैं हर महीने, जबकि हाल ये है कि उस मोहल्ले के अंदर एक भी मदरसा संचालक नहीं है, ना कोई सरकारी स्कूल भी संचालक नहीं है। जहाँ तक कि शिक्षा के नाम पर वहाँ जीरो स्थिति। मैंने प्रशासन से मांग की कि वहाँ जाकर मौके पर सर्वे कर लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 12 साल 18 साल के तक के बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। ये मामला बाहर ओरछा गेट, कुरेश नगर, कपूर टेकरी, कसाई मंडी, मदक खाना, इन क्षेत्रों में एक भी मदरसा संचालक नहीं है और कुछ शिक्षा माफिया मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराकर बाकायदा सरकारी तनख्वाह पा रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने DM साहब से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। क्या बोला मिल गया है? DM साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस मामले को लेकर जांच कराएंगे और जो भी मामला होगा उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। झांसी से मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।